हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लान फॉर हैप्पी न्यू ईयर। आज का टॉपिक है कि हैप्पी न्यू ईयर कैसा हो, हैप्पी न्यू ईयर किस तरह से हैप्पी हो। क्या हैप्पी न्यू ईयर बोल देने से हमारा साल हैप्पी हो जाता है? अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों ना बोलें हैप्पी न्यू ईयर, भाई एक दिन मजा कर लेने से क्या जा रहा है। लेकिन आप तो बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू डे नहीं बोल रहे, पूरा साल तो नहीं बोल रहे। आखिर हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ क्या है? क्या हम डिसीव करते हैं? रिपोर्ट क्या है रिसर्च की? रिसर्च क्या कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर में लोगों के डिज़ायर क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों की मान्यता ये है कि नया साल आने के बाद एक यूफोरिया आता है, एक एंथुसियाज्म आता है, और उसमें बहुत सारे नए नए काम शुरू करने का मन करता है। जैसे किसी की कोई प्लानिंग है, दुकान खोलना है, किसी को आईएएस बनना है, पीसीएस करना है, आर्मी की तैयारी करनी है, ग्रुप सी की तैयारी करनी है, या कोई भी काम करना है, तो वो सोच के रखता है कि नए साल में पहले दिन से, पहली जनवरी से इसका प्लान बनाएंगे और कुछ करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिसर्च कहती है कि जितने लोग प्लान बनाते हैं, जितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे नए साल में कुछ खास करना है, उसमें 8 से 10% लोग ही सफल हो पाते हैं, जो पूरे साल काम कर पाते हैं। लेकिन 90 to 92% लोग, आप ये पाइएगा कि वो असफल होते हैं। उनका मकसद सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलना होता है। एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर जो है, इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। पिछले साल भी आपने हैप्पी न्यू ईयर कहा था और इस साल फिर आप हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। अभी देखिए, नया साल शुरू होने वाला है और हो रहा है। अगले दिन आप ये देखिएगा, आपके मोबाइल हैप्पी न्यू ईयर से भर जाएंगे। एटलीस्ट आप ये देखिएगा कि आपका मोबाइल जो है हैंग होना शुरू हो जाएगा हैप्पी न्यू ईयर से। अब सवाल ये पैदा होता है, हमें हैप्पी न्यू ईयर के लिए सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। पिछले साल भी आपने, ये कई सालों से हम हैप्पी न्यू ईयर कह तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा साल हैप्पी हुआ? और ये किन बातों पे डिपेंड करता है? सही माने में तो ये है कि आप प्लान भी बना लेते हैं कि आपको इस साल कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने साल का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन यू विल फाइंड के यू आर नॉट हैप्पी, मोस्टली आप खुश नहीं हैं। आपने जो पिछले साल सोचा था कि आप इस साल में 2021 में क्या करेंगे, 2021 का आपने मूल्यांकन किया, आपने सोचा था 2021 में आपको नौकरी हो जाएगी, आपने सोचा था 2021 में आईएएस की तैयारी हो जाएगी, आपने सोचा था 2021 में पीसीएस क्वालिफाई कर जाएंगे, आपने सोचा था 2020 में, आपने प्लान बनाया था हैप्पी न्यू ईयर में कि 2021 तक आपको जॉब ले लेना है। क्या आप ले पाए हैं? और जॉब नहीं भी ले पाए हैं तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? क्या आपने तैयारी की है उस लेवल की? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हैप्पी न्यू ईयर आपको जगाने आता है उस साल आपको ये समझना है, ये मूल्यांकन करना है, ये इवेल्युएशन करना है कि पिछले साल में आपने जो प्लानिंग बनाई है, जो आपका प्रोजेक्ट था, जो प्लानिंग थी, उस पर आपने कितने अचीव किया। एक्चुअली आपको पूरे साल की प्लानिंग के साथ साथ मंथली प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, हर महीने की। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली रिप्रेजेंट करता हूं, स्टूडेंट से मुखातिब हूं, तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि हर महीने का आप प्लान बनाइए, हर महीने का आप गोल बनाइए।
एक महीने के अंदर आप कितनी वीडियो कंप्लीट कर पाते हैं, कितना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाते हैं, कितना टास्क कंप्लीट कर पाते हैं आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो प्लान बनाते हैं उस पे कितना प्रैक्टिकली अप्लाइड है, कितना आप उसको अचीव कर पाते हैं। आप क्या 90% लोगों में हैं या 10% लोगों में हैं जो प्लान को अचीव करते हैं। तो हमारे लिए हर दिन एक जैसा है। हर दिन आप अगर आप सक्सेस हो जाएंगे और अपने प्लान को अचीव करेंगे तो 12 जनवरी भी हैप्पी न्यू ईयर होगा, 22 फरवरी भी हैप्पी न्यू ईयर होगा, 17 मार्च भी हैप्पी न्यू ईयर होगा, 18 अप्रैल भी हैप्पी न्यू ईयर होगा, 2 मई भी हैप्पी न्यू ईयर होगा, 1 जून भी हैप्पी न्यू ईयर होगा। पूरा साल हैप्पी न्यू ईयर तभी हो पाएगा आप जब आप प्लान बनाएंगे और प्लान पे आप चलेंगे लगातार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लान भी बना लेते हैं हम लोग, लेकिन प्लान पे आपको मैं ये बताऊं कि 90% लोग नहीं चल पाते हैं पूरे साल। 90% लोगों की जो दशा है वो सिर्फ 15-20 दिन चल पाते हैं, 10 दिन चल पाते हैं। 8% लोग, 8-10% लोग वो पूरे साल लगभग चल पाते हैं, 8-10% लोग। अब आप ये बताइए आप 8% में हैं या 90% में हैं। आपको इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर महीने आपको इवैल्यूएशन करना है, हर महीने आपको टारगेट पूरा करना है, तब जाकर के आपका नया साल हैप्पी होगा। और आपका नया साल हैप्पी तब तक नहीं होगा जब तक आपका गोल ओरिएंटेशन नहीं होगा, गोल अटेनमेंट नहीं होगा, आपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। आपने सोचा था आप आईएएस की तैयारी करेंगे, आप पीसीएस की तैयारी करेंगे, आप ग्रुप सी की तैयारी करेंगे, आर्मी पुलिस की तैयारी करेंगे, और आपने सारी चीज जो भी आपने सोचा था एसएससी टीईटी एलटी, लेकिन आप अगले साल जब अपना इवैल्यूएशन करते हैं अथवा नहीं करते हैं लेकिन आप वहीं खड़े हैं। और हम ये देखते हैं, आंकड़े ये बताते हैं। मैं ये देखता हूं कि आम तौर पे स्टूडेंट में उत्साह बहुत होता है 15 दिन, सिर्फ जनवरी का नहीं, किसी भी प्रोग्राम को अगर लॉन्च किया जाए कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो उत्साह स्टूडेंट में 15-20 दिन और एक महीना होता है। एक महीने के बाद वो उत्साह कम हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सीक्रेट क्या है सक्सेस का। वो लोग जो दुनिया में कामयाब हुए हैं आखिर उसके पीछे राज क्या है? तो मैं आपको बता दूं, उसके पीछे राज है कंसिस्टेंसी। अगर आप 15 दिन 15 घंटा पढ़ रहे हैं और हर दिन 2 घंटा पढ़ रहे हैं सालों भर, तो 2 घंटे वाला जो स्टूडेंट है वो जरूर कामयाब होगा। लेकिन आप 20 घंटा पढ़ रहे हैं 10 दिन एक महीना, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, और उसके बाद 2 महीना नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने जो 15 घंटा पढ़ाई की एक महीना वो हो जाएगा इक्वल टू 0। क्यों होगा? क्योंकि 30 × 0, बीच में तो 0 हो गया, तो 30, अब बीच में तो आपका 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाता है कि नहीं? 1000 रुपये को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा। तो आपने एक महीना तो प्रोडक्टिव काम किया, अच्छे से पढ़ाई की, तो एक महीना 12-12 घंटा आपने पढ़ाई की, तो 12 × 30 तो करीब करीब 2×3 = 36, 360 घंटे आपने एक महीने में पढ़ा, लेकिन 2 महीना आपने पढ़ाई नहीं की, या आगे चल करके आप थोड़ा डल हो गए और 5 घंटा पढ़ा अगले महीने में, तो अगले महीने आपने 150 घंटा पढ़ा, लेकिन उसके बाद 1 घंटा पढ़ा, और उसके अगले महीने आपका जो जील है, आपका एंथुजियाज्म जो है वो 0 पे आ गया और आपने नहीं पढ़ा एक महीना।
तो आपने जो उधर 360 घंटा और 150 घंटा, यानी 360 150 का मतलब हुआ 460, 510 घंटा जो आपने पढ़ा था उसका वैल्यू जीरो हो गया, क्योंकि उस दौरान जो आपने याद किया था वो अब आपको याद नहीं है। अब सवाल ये पैदा, एक तरफ दूसरे स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने 12 घंटा डेली नहीं पढ़ा और 5 घंटा भी नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ 2 घंटा डेली पढ़ा, 2 घंटा पूरे साल पढ़ा, तो उसको पूरा और वो सक्सेस हो गया और वो सक्सेस हो जाएगा, उसको उसने पूरे साल पढ़ा, तो 2 घंटा को 365 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करीब करीब 750 घंटे के करीब आएगा। बात घंटे की नहीं है, तो बात जो हिडन ट्रेजर है वो है कंसिस्टेंसी। बात यह है कि आप अपने लाइफ में कितने कंसिस्टेंट हैं। आपने नए साल में आपने जोश में कोई काम शुरू किया, जोश जरूरी है लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपने जोश में कोई काम शुरू किया लेकिन वो काम, वो जोश आपका बहुत कम समय तक रहा, एक्सट्रीम जोश ठीक नहीं है, जोश को कंसिस्टेंसी दीजिए, कंसिस्टेंसी का रस पिलाइए, जोश में डालिए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, पेशेंस है, तो आप कामयाब होंगे। आप अगर ये चाहते हैं कि आप जल्दी में कामयाब हो जाएं, 15 दिन पढ़ के कामयाब हो जाएं, 1 महीना पढ़ के कामयाब हो जाएं, तो यकीन मानिए आपका ये सिलसिला लंबा चलेगा। कितने विद्यार्थी आते हैं और वो पढ़ाई खूब ताबड़तोड़ 3 महीना पढ़ाई करते हैं, फिर उनका जोश ठंडा हो जाता है, फिर 4 महीने के बाद 2 महीना ताबड़तोड़ पढ़ाई करते हैं, फिर 3 महीने के बाद जोशीला पढ़ाई करते हैं 1.5 महीना, इस तरह वो जिंदगी भर करते रहते हैं, 5-7 साल गुजर जाता है। मैंने अपने अनुभव से पाया है, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। और एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज होता है 2-4 घंटा पढ़ता है, कंसिस्टेंटली पढ़ता है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, जिम भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, घूमता फिरता भी है, दोस्तों को भी इंटरटेन करता है, 2-3 घंटा पढ़ता है डेली कंटिन्यूटी के साथ, और हम देखते हैं, हमने देखा है कि वो लड़के सफल होते हैं, वो स्टूडेंट कामयाब हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। कंसिस्टेंसी इज द हिडन ट्रेजर फॉर सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ सक्सेस। अगर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में दुनिया में नाम कमाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट की है सक्सेस की, वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली करना ही है। जिस दिन आपको शादी में जाना है, नामकरण में जाना है, कहीं खास जगह जाना है, तो भी आपको 1 घंटा पढ़ना है, आपको एब्सेंट नहीं करना है। तो इस तरह से आपको अपनी प्लानिंग बनानी है, और सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोल करके काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आप कहां पर हैं, आपने क्या अचीव किया है पिछले साल, और आज आप कहां पर हैं, और अगले साल आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो क्या अचीव करना चाहते हैं, जनवरी में क्या अचीव करेंगे, फरवरी में क्या अचीव करेंगे, मार्च में क्या अचीव करेंगे। आपको मैं एक प्लान भी देता हूं, अगर कोई विद्यार्थी आर्मी पुलिस SSC वन डे की तैयारी करना चाह रहा है ग्रुप सी की, तो मेरी वीडियो GK 105 वीडियो है, उस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिए, और साथ में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस की टेस्ट सीरीज है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये सारे कोर्स 2 महीने के अंदर के हैं, 2 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे जब आप 10 घंटा पढ़ेंगे, और उसके बाद रिवीजन आप 2-3 घंटा डेली करते रहें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सफल होंगे। लेकिन जो विद्यार्थी IAS की तैयारी करना चाहता है या PCS की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए प्लान ये है कि वो 2 महीना इस काम को करे, उसके बाद आगे NCERT की किताबें ले, NCERT की किताबें पढ़े, साथ में
जो मेंस की तैयारी का जो पॉइंट है, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अलग अलग टेक्स्ट बुक है जिसका मैंने बताया है अपनी वीडियो में, उसको आप खरीदिए, उसको आप पढ़िए और सब पे नोट्स बनाइए, पिछले एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जनवरी में कितना काम कर रहे हैं, फरवरी में कितना काम कर रहे हैं, मार्च में कितना काम कर रहे हैं, अप्रैल में कितना काम कर रहे हैं, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आई है और अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, उनको बताइए, और बहुत सारे नीडी स्टूडेंट हैं उनको बताइए हमारे चैनल पे हर चीज़ पोस्ट की तैयारी, आईएएस पीसीएस ग्रुप सी आर्मी पुलिस और टीटी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जाती है, सारी वीडियो कंसिस्टेंटली अवेलेबल है, अपने घर पे तैयारी कीजिए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।